हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएस। और लीजिए, आप सभी का डीबीटी जेआरएफ का रिजल्ट भी आ चुका है और फाइनली कट ऑफ भी आ चुका है। तो आइए देखें कि क्या रहा इस बार का कट ऑफ और क्या स्थिति है, कैसे और कितना स्कोर पर आप एग्जाम में सफल हो चुके हैं। सो द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट 2023 जो कि आज के दिन में रिलीज हो चुका है, और कैटेगरी वन और कैटेगरी टू को लेकर के जो कट ऑफ्स हैं वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हैं। सो अनरिजर्व कैटेगरी 73.67%, क्वालिफाइंग परसेंटेज दे रखा है और मार्क्स भी दे रखा है। सो 221 जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, 221 मार्क्स, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया इस बार का। और उसके बाद फिर EWS के लिए 194, OBC के लिए 194, अगेन SC के लिए 169, ST के लिए 151 और डिसेबल्ड, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 151 का जो है अप्रोक्सीमेट कट ऑफ। ये जो मार्क्स आप हैं यहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरी टू में अगर बात की जाए तो कैटेगरी टू में कुछ इस प्रकार की स्थिति है। मार्क्स वाइज बात करें तो 215 कैटेगरी टू जनरल कैटेगरी, EWS के लिए 188, फिर सेम फॉर OBC एंड देन फिर आप SC ST एंड देन फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स का कट ऑफ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एग्जाम इस बार का बहुत ही ज़्यादा इजी रहा, ये इसका मतलब निकल करके आता है, और कट ऑफ इस वजह से थोड़े से ज़्यादा हाई रहे। वैसे जो सारे विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में सफल हो चुके हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और आशा करते हैं कि अब आप आपके जीवन में जो आपके दूसरे लक्ष्य हैं उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे और उनमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।